मुताला पाकिस्तान से लेके पाकिस्तान की हिस्ट्री के ऊपर जितनी भी किताबें लिखी गई उनमें कहीं भी आपके बचपन का जिक्र नहीं है। अभी तक तो नहीं है। तो मर जाऊंगी तो शायद आज। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कहाँ पढ़ाई हुई और किन चीजों में इंटरेस्ट था, डांस में कैसे चली गई, बिकॉज यू टोल्ड मी वंस कि क्लासिकल का शौक पैदा हुआ अब्बा से बात हुई, हाउ ही परमिटेड यू टू डू वट एवर यू वॉन्ट, हाउ ही सपोर्टेड एज वेल। तो आई वुड लव कि अगर आप शेयर करें। बिल्कुल सही। नहीं, सबसे पहले तो ये कि अम्मा अब्बा ने दोनों ने कभी भाइयों और बहनों में कोई हमलों में उस तरह से फर्क नहीं रखा। हाउ मेनी सिबलिंग्स जी? अब मेरे दो भाई हैं, एक बड़ा और एक छोटा। अच्छा। मैं बीच में हूँ, सैंडविच में। एंड अचानक ये क्लासिकल डांस का शौक पैदा मुझे हुआ, मुझे नहीं मालूम कहाँ से ये अम्मा अब्बा ने सोचा और कब ये किस तरह से, क्योंकि मैं तो बहुत छोटी थी। ये भी अम्मा अब्बा की सोच थी कि आप नहीं, हमें डांस क्लासेस मुझे और मेरी कजन को शुरू करा दी और फिर जितना मैं सीख सकती थी मैंने सीखा। इंडिया भी आप गई डांस के सिलसिले से गई या थिएटर के सिलसिले से? दोनों। दोनों। अब्बा ने मुझसे पूछा कि भाई तुम्हारा अब एफए हो गया और अब क्या इरादा है, करियर क्या चूज कर रही हो? तो मैं अभी सोच रही थी, उन्होंने कहा मगर ये मत सोचना कि बाकी दुनिया के बारे में मत सोचना, ये सोचो तुम्हारे दिल किस चीज में सबसे ज्यादा, क्या करना चाहती हो। वाह। तो मुझे उस वक्त जो पहला थॉट आया, मैं उस वक्त डांस सीख रही थी यहाँ पे, तो मैंने कहा मैं डांस सीखना चाहती हूँ। उन्होंने बगैर एक दफा भी उन्होंने कुछ कोई एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुआ उनका, उन्होंने कहा ठीक है फिर मैं उसका इंतजाम करता हूँ ताकि तुम प्रॉपरली सीखो। तो फिर उन्होंने मुझे भेजा, क्योंकि हमारी बहुत सारी फैमिली इंडिया में है, अब्बा की कजन जो है वो ओडिसी डांसर है, उनके पास फिर भेजा, वो अच्छा। एक आश्रम में सिखाती थी, तो मैंने भी सीखना शुरू कर दिया। वहाँ पे उस वक्त तो वीजा बहुत कम देर का मिला था इसलिए 3 महीने थी। फिर वापस आके यहाँ किसी की शागिर्दी नहीं की? शागिर्द तो मैं यहाँ पे शुरू से थी इंदु मिठा जी की। अच्छा। जो 7-8 साल की उम्र से सीखना शुरू किया था उन्हीं के साथ सीखा था। तो बस फिर उन्हीं की एडवाइस पे फिर भेजा हम अब्बा ने। मैम आपकी कोई शागिर्दी करना चाहे तो आपका कोई इरादा है? अब तो मेरे गोडे गिट्टे रह नहीं गए इस काम के लिए। अच्छा मैम आप हिंदुस्तान भी गई हैं, तो पूछना ही मैं चाह रहा था कि हिंदुस्तान की पहली गली में जो शौकत अली रहता था जिसे गोली लगी थी, जी जी, उसकी तबीयत अब कैसी है? मैं पूछ लेती हूँ एक सेकंड। बचपन में गाते हैं हिंदुस्तान की पहली गली उसमें रहता शौकत अली। मैंने सुना ही नहीं इसलिए। मैं क्या सी चार्ज रहना है लेकिन इतना नहीं रहना। अच्छा। जैसे सीमा करवानी साहिबा, जैसे निगो चौधरी साहिबा, उन्होंने तो इसको एज ए प्रोफेशन लेके चली। You never thought of that, जी? I did. यहाँ पे ऑडियंस ही नहीं थी। फिर ये मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ, 88 I was just turning 18 और उसी वक्त जियाउल हक साहब यहाँ से रुखसत हुए थे, उससे पहले तो कोई माहौल ही नहीं था। जिस वक्त हम बड़े हो रहे थे उस वक्त तो बहुत बुरी नजर से देखा जाता था ना परफॉर्मिंग आर्ट्स को। 1995 में you started television, जी। है ना, जर्द दोपहर के नाम से पहला प्रोजेक्ट था आपका। तो एक्टिंग की तरफ कैसे गाड़ी ने टर्न लिया? हम जब छोटे थे तो हम लोग बहुत अम्मा अब्बा के साथ ही जाते थे थिएटर देखने, अजोका थिएटर के बहुत सारे ड्रामे होते थे लाहौर में, मदिहा गौहर और शाहिद नदीम के साथ, तो उनसे मैं बहुत मुतासिर थी, हम सभी थे, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल एक्सप्रेशन जो था वो थिएटर के थ्रू हो रहा था उस माहौल में, जबकि पॉलिटिकली आप अपने आप को नहीं एक्सप्रेस करने की इजाजत ही नहीं थी थिएटर में, लेकिन मुझे उनके ग्रुप की वजह से मुझे बहुत इंटरेस्ट हुआ, उसके थ्रू फिर मैं थिएटर में इंटरेस्टेड हुई। थिएटर के बाद 95 जर्द दोपहर के बाद एक लंबी ब्रेक आ गई, मैं फिर चली गई थी अमेरिका, फिर आप वहां से वापस आई और फिर प्राइवेट सेक्टर आ चुका हुआ था। हाँ, मेरी जात जरा बेनिशान। हाँ, एक रिवाइवल हुआ समिया मुमताज साहिबा का, और उसके बाद मुझे कहते ने ना ठा करके पक्के से जा बजिया, really hit the ceiling actually. रो रो के जितने मैंने रोल किए हैं रोने वाले ना मैं। क्यों राइटर क्यों रुलाते हैं आपको? क्यों रुलाते हैं? अच्छी भली प्लेजेंट दूसरी खातून है, माशाल्लाह हसमुख और हसमुख हैं और अच्छी बात करती हैं और मजेदार बात करती हैं, तो ये क्यों रोने धोने वाले, क्या नजर आता है उनको? मुझे लगता है नुमान उनकी इमेजिनेशन नहीं है, जिस तरह उन्होंने पहले एक ड्रामे में देख लिया ना तो लोगों को लगता छाप लग गई कि बस हाँ कि अब यही कराना ही है सारी जिंदगी। यू नेवर डिड कॉमेडी और यू डिड कॉमेडी वेरी लिटिल, बहुत कम किया, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती। मैं भी अगर कोई कॉमेडी की कोई चीज कर लू ना
कि वो लोग सीरियस हो जाते हैं। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, आपका सूट भी कर रहा है, टाइमिंग टेम्पो होस्टिंग के साथ प्लस सीरियस कर रहे, प्लस होस्टिंग कॉमेडी कर रहे हैं ना। हाँ तो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती, एक इमेज डेवलप होता है ना, ये भी नहीं तो समझ नहीं आ रहा। मुझे नहीं लगता कि ऑडियंस का नहीं है इसमें कसूर, इसमें हमसे काम करवाने वालों का, ये वो आपको वर्सेटाइल रोल्स देते ही नहीं है, वही चीज बार बार करवाए जाते हैं। आप यकीन करें बड़े सीरियस किरदारों में मैं थोड़ी जी पा देना एमी बड़ी खूबसूरत लगती है, मैं कर लेता हूँ, लेकिन एक्सेप्टेबिलिटी उस हद तक नहीं है जिस हद तक होनी चाहिए। फार्मिंग की तरफ कहाँ चली गई? फार्मिंग तो शुरू से ही था ना मेरा, अच्छा। शौक तो शुरू से था और मैं शुरू कर भी दिया था अर्ली 20s में। ये शौक कहाँ से पैदा हुआ, गमलों में कुछ लगाने से डेवलप हुआ जमीन? मेरा से उससे दूरी की वजह से, क्योंकि वही मैं बताई थी ना, अम्मा अब्बा तो बहुत ही शहरी, तो इसलिए शायद मुझे ज्यादा शौक हो गया। कितना बड़ा फार्म हाउस है समय समय, और क्या क्या आप उगा रही हैं वहाँ पर? हाउस तो एक कनाल पे, लेकिन फार्म जो है वो 16 acres से शुरू हुआ, तो बहुत छोटा सा है, वो नहीं है जो जिन लोगों की जद्दी पुश्ती जमीनें होती हैं वो वाला सीन। तो क्या क्या आपने उगाया हुआ है? मैं देसी गंदुम है, हाँ देसी गंदुम है, और जौ, चावल, सब्जी, ये चीजें। सुना मेहंदी भी उगाती है? हाँ ये मैं आपको कैसे पता? डबल एफ सेवन, अब तो बिल्कुल ही फीकी हो गई। बाउंड फैमिली तो हाँ। हाँ, ये लगाई थी लेकिन ईद पे लगाई थी। हाँ, मेहंदी भी उगाती हैं। मैडम ये उसमें के बाल उगा सकती हैं? तेल भी बता रही थी इसी किस्म का, मुझे बताया कि शूटिंग के दौरान कि फलां चीज का तेल इज वेरी गुड, वेरी हेल्दी फॉर सर के बालों के लिए, वो भी मैं भूल गया। मैं तो अब मिक्स ही होता है, नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा जब सरकार के साथ कोई प्रोजेक्ट कर रहा हूं ना, तो एक कॉपी पेंसिल आते च रखा सरकार जड़े नुस्खे दसी जाते, क्योंकि नुस्खे बड़े ने, क्योंकि कोई दवाइयों से पाक है ये देसी चीजें, उनसे जोड़ों की दर्द खत्म हो जाएगी, फला चीज हो जाएगी, आपका जुकाम है, खांसी है, ये है, रेशा है, तो अंदर एक छोटी जी हकीमणी भी बैठी। अच्छा मैडम ये जोड़ों और पट्ठों का दर्द जो है ये डॉक्टर और हकीमों के पास होता है, ये उल्लू के पट्ठों का इलाज किसके पास होता है? ये पुलिस के पास होता है। मेरी अम्मी का किडनी का इशू है तो डॉक्टर्स ने कहा सुबह निहार मुंह पानी नहीं पीना है। डिपेंड करता है ना कि आपके क्या मिजाज क्या है और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। कई मुझे मालूम है जैसे कई वेद और हकीम ये भी कहते हैं कि बहुत ज्यादा पानी फलाने लोगों को नहीं पीना चाहिए, उनकी न्यूट्रिएंट्स ही डाइल्यूट हो जाते हैं। ये भी मैंने सुना तो ये रियली क्या नहीं सुना वो सुना दें आपको, क्या नहीं सुना वो बताएं। वो बताएं। ये नहीं सुना ये दोबारा सुना देंगे। सरकार ने की जो जर्नी है क्या कहीं कहीं से होते होते बड़ी स्क्रीन तक जाती है, वो बड़ी स्क्रीन हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक।